दवाइयों के विकास का इतिहास। मेडिसिन यानी दवाई, नाम सुनते ही कुछ को तो चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उससे कुछ कड़वा सा एहसास जुड़ा हुआ होता है। कभी सोचा है कि कैसे मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी, लोगों ने कैसे जाना होगा कि हम क्या खाकर खुद को ठीक कर सकते हैं, क्या लगाकर अपनी चोट बेहतर कर सकते हैं। वास्तव में हमारा शरीर प्रकृति में पाए जाने वाले अलग अलग तत्व जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, और जब ये असंतुलित होते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब जानते हैं दवाई बनाने की शुरुआत कहां से हुई। ऐसा माना जाता है कि करीब 2600 BC में हिप्पोक्रेटस का जन्म हुआ, जिसे ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। उन्होंने दवाइयों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और एस्पिरिन को प्रिस्क्राइब किया। 300 BC में डायक्लोस ने प्रथम ज्ञात मानव शरीर रचना पुस्तक लिखी। 280 BC में हेलोफिलस ने तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया। दुनिया में दवाइयां हर जगह तैयार हो रही थी, पर इजिप्ट की दवा प्रणाली विश्वविख्यात थी। वहां की मम्मीज यानी कि डेड बॉडीज में जो तरल पदार्थ प्रयोग होता था, उसने आज तक उन मृत शरीर का क्षय नहीं होने दिया। भारत भी इन चीजों से अनभिज्ञ नहीं था। हमारे यहाँ औषधि विकास का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत अथर्ववेद से मानी जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की औषधि निर्माण और जादू से जुड़े काम शामिल हैं। अत्रेया और अग्निवेश ने 800 BC में आयुर्वेदा के सिद्धांत सामने रखे। चरका संहिता को प्रथम आयुर्वेदा संकलन का श्रेय दिया जाता है। वो पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और प्रतिरक्षा की अवधारणा को समझा और उस पर खोज की। उन्होंने मानव शरीर का अध्ययन किया और कई बीमारियों का उपचार बताया। सुश्रुता एक महान शल्य चिकित्सक थे जिन्होंने सुश्रुता संहिता पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने लगभग 300 शल्य प्रक्रिया और लगभग 120 शल्य उपकरणों का उल्लेख किया है। उन्होंने शल्य चिकित्सा को 8 भागों में विभाजित किया है, जैसे हड्डी, उतक के लिए और शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग बीमारियों और उनके लक्षणों के साथ उपचार भी बताया है। जैसे समय बीतता गया, भारत और अरब का संबंध बढ़ा, उन लोगों ने भारतीय ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुवाद कर दुनिया भर में प्रसारित कर दिया। धीरे धीरे इसी तरह कई देश एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और लोगों का दवाइयों का ज्ञान बढ़ने लगा। सबसे पहले मॉडर्न फार्माक्यूटिकल मेडिसिन फ्रेडरिच सर टर्नर, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने शोध की। उन्होंने ओपियम से मेन एक्टिव केमिकल को अपनी प्रयोगशाला में एक्सट्रैक्ट कर मॉर्फिन नाम की दवाई बनाई। डॉक्टर्स मॉर्फिन का उपयोग गंभीर दर्द ठीक करने में करते हैं और ये आज भी प्रयोग में ली जाती है। इसके पश्चात क्योर फॉर मलेरिया 1820 में, पैरासिटामॉल 1877 में और 1890 के दशक में वैज्ञानिकों ने पहली एस्पिरिन विलो पेड़ की छाल से बनाई। इसे हम आज भी सिर दर्द, बुखार और सूजन में प्रयोग करते हैं। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की अकस्मात खोज एक प्रयोगशाला में 1928 में हुई, जिसने इतिहास रच दिया और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। दुनिया में रोज नई बीमारी आती है और रोज नई दवाई विकसित होती है। वैक्सीन यानी टीका, वैक्सीन लाइफ एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिन्हें हम बीमारी दूर करने के लिए बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। प्रथम वैक्सीन का निर्माण, पहली वैक्सीन ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने 1796 में तैयार की। उन्होंने काउपॉक्स वायरस का प्रयोग स्मॉल पॉक्स के एजेंट के विरुद्ध किया। 1881 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजी के लुइस फॉस्टर ने एंथ्रेक्स के खिलाफ एक शीप में बेसिल्स की एटीन्यूएटेड फॉर्म को यूज कर इम्यूनाइज किया। 4 साल बाद उन्होंने रेबीज के खिलाफ प्रोटेक्टिव सस्पेंशन भी बनाया। वैक्सीन की कार्य प्रणाली, जब हम अपने शरीर में वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो यह हमारे शरीर में हार्मफुल एजेंट्स पर हमला करता है और उसके वजह से हमारे शरीर में फिर बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर में बी सेल्स यानी कि बी लाइफोसाइट स्टिम्युलेट हो जाते हैं। जब कभी भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे शरीर में दोबारा घुसने की कोशिश करते हैं तो यह बी सेल्स उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। वैक्सीन के प्रकार, पहला वीकेंड और एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें हम उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं जिसकी रोग विकसित करने की क्षमता ना हो, कभी कभी ये सौम्य रोग उत्पन्न कर देती है, उदाहरण के लिए मीजल्स, मम्स, पोलियो, रुबेला और ट्यूबरकुलोसिस। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें हम हीट और केमिकल से माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारकर इनएक्टिव करते हैं, ये ज्यादा प्रभावी नहीं होती, उदाहरण के लिए रेबीज, पोलियो, सम फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा। सब यूनिट वैक्सीन, ये वैक्सीन इन्फेक्शियस एजेंट की सरफेस प्रोटीन से बनती है, उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी। चौथा टॉक्सॉइड, जब टॉक्सिन
टॉक्साइड बनाने के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं तब उन्हें यूज करते हैं इम्यूनिटी स्टिमुलेट करने के लिए अगेंस्ट टेटनस टाइफिथेरिया और वूपिंग का। पांचवा नेकेड डीएनए थेरेपी, इसमें हम डीएनए को इंजेक्ट करते हैं जो मसल सेल में फॉरेन प्रोटीन इनकोड करते हैं। सेल फॉरेन एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। छठा आरएनए एमआरएनए वैक्सीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए को लिपिड नैनो पार्टिकल जैसे वेक्टर्स में पैक करके इंजेक्ट किया जाता है। मार्च 2020 में क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंचने वाले पहले कोविड-19 मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA-1273 थी। प्लेटफॉर्म के तौर पर mRNA टीकों के कई फायदे होते हैं क्योंकि तेजी से काम करते हैं और इसमें लंबे दौर की सुरक्षा के लिए चिंता करने की गुंजाइश कम होती है। ये न्यूक्लियस में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती और ब्लड स्ट्रीम को आसानी से छोड़ भी नहीं सकती। कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण, कोविड-19 एक महामारी साबित हुई है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस पहली बार आया है, इससे पहले SARS COV-2003 आ चुका है और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी इसी का एक घातक रूप था। कोरोना वायरस 100 से भी ज्यादा प्रकार के होते हैं पर इनमें से कुछ ही घातक साबित हुए हैं। कोरोना वायरस जिसे हम कोविड-19 भी कह रहे हैं, इसकी वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप होने का कारण यह भी है कि SARS और MERS यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वैक्सीन का तैयारी पहले से चल रही थी और इसी ने हमें अभी वाली वैक्सीन डेवलप करने में मदद की। कोरोना वायरस पर रिसर्च 50 सालों से चल रही है। साइंटिस्ट के पास पहले से कोरोना वायरस की फैमिली से जुड़े डेटा है जैसे इनका स्ट्रक्चर, जीनोम और लाइफ साइकिल, जिसने वैक्सीन डेवलप करने के लिए जरूरी डेटा का काम किया। कोई भी वैक्सीन डेवलप करने के 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रशिक्षण जानवरों पर किया जाता है, दूसरा सीमित व्यक्तियों पर और फिर बड़े पैमाने में क्षेत्र अनुसार, आबादी अनुसार, उम्र अनुसार और अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उन पर भी प्रयोग किया जाता है जिससे पता लग सके कि उन्हें ये वैक्सीन सूट करेगी कि नहीं। कोविड-19 के ज्यादा डेडली होने के कारण इस पर काम बहुत तेजी से शुरू हुआ और 1 साल में वैक्सीन तैयार हो गई। सबसे पहले चाइना ने कहा कि उन लोगों ने वैक्सीन बना ली है पर ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण किसी देश ने इसे प्रेफर नहीं किया। वैक्सीन डेवलप करने का काम 10 से 15 साल लगते हैं। समय की नजाकत को देखते हुए अब पहले से वायरस के बारे में डाटा होने के कारण यह काम जल्दी शुरू हुआ और Pfizer ने पहली कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाहर ह्यूमन में यूज किया गया। ये USA में डेवलप की गई और काफी इफेक्टिव साबित। दूसरी कंपनीज भी mRNA कोविड-19 वैक्सीन डेवलप कर रही है जैसे मॉडर्ना NIH की कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है। वे कोरोना वायरस के S प्रोटीन के जेनेटिक मटेरियल को बॉडी में डिलीवर करके हमारी बॉडी की स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज कर S प्रोटीन्स बनाएगी जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करेगा, जो कोरोना वायरस के प्रोटीन स्पाइक को रिकॉग्नाइज करके पहले से बॉडी को वायरस के खिलाफ प्रिपेयर करेगा। इसी तरीके से रशिया के स्पुतनिक वी, ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका, इसका मास प्रोडक्शन इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऐसी ही कई वैक्सीन जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। विभिन्न कोरोना वायरस वैक्सीन में अंतर, पहली Pfizer या बायोटेक वैक्सीन, ये एक mRNA वैक्सीन है। इसकी इफेक्टिवनेस 95% है। इसे FDA ने इमरजेंसी यूज के लिए अथोराइज कर दिया है। जिन लोगों में डायबिटीज और ऑबेसिटी डेवलप हुई है कोविड-19 के कारण उनके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। इसमें एग्स, लेटेक्स और प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। इसके 2 डोज 21 दिन के अंदर लेना जरूरी है। 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह वैक्सीन इफेक्टिव है। इसमें सिम्टम्स जैसे इंजेक्शन साइट पेन, फेटी, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, जॉइंट पेन, फीवर, फीलिंग अनवेल एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स जैसे हैं। दूसरी मॉडर्ना वैक्सीन, यह भी एक mRNA वैक्सीन है। इसकी इफेक्टिवनेस 94% है। FDA ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए अथोराइज कर दिया है। जिन लोगों में डायबिटीज और ऑबेसिटी डेवलप हुई है कोविड-19 के कारण उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। इसमें एग्स, लेटेक्स और प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। इसके 2 डोज 28 दिन के भीतर लेने जरूरी है। 18 साल उससे ज्यादा के लोगों को यह वैक्सीन दी जाती है। इसके सिम्टम्स इंजेक्शन साइट पेन, फटीग, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, जॉइंट पेन, स्वॉलन लिम। तीसरी जॉनसन एंड जॉनसन, एक फैक्टर वैक्सीन है। इसकी इफेक्टिवनेस 66% है। इसे भी FDA इमरजेंसी यूज के लिए अथोराइज कर चुकी है। इसमें एग्स, लेटेक्स और प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। इसकी एक ही डोज लेना जरूरी है। 18 साल और उससे ज्यादा लोगों के लिए डोज दी जाती है। सिम्टम्स इंजेक्शन साइट पेन, हेडेक, फटीग, मसल पेन, चिल्स, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टमक पेन,
ब्लड विजन, चेस्ट पेन, लेग स्वेलिंग, इजी ब्रूजिंग एंड टाइनी रेड स्पॉट ऑन द स्किन।